इसमें आप देखिए कि इसमें आपके क्या क्या फैसिलिटी डे बोर्डिंग में होनी चाहिए। सो नैप एरिया, किचन फैसिलिटी, स्नैक्स एंड एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो इसमें बच्चों को हम अच्छा जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह करवा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें हम बच्चों को करवा सकते हैं। सो आई रिपीटेड कि नैप एरिया, जैसे डे बोर्डिंग का आप कोर्स कर रहे हैं तो डे बोर्डिंग में नैप एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो बच्चे रेस्टिंग मोड पे होते हैं या फिर कोई बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो उन्हें आप सुलाने की फैसिलिटी करेंगे। ओके, सो नैप एरिया में आप जैसे कोई सिंगल सिंगल बेड लगा सकते हैं या फिर आप मैट्रिक्स भी रख सकते हैं। मैट्रिक्स आपने रख दी है फिर बच्चों को आप सुला सकते हैं उसमें। ठीक है, देखो अगर जगह कम है तो आप मैट्रिक्स वगैरह यूज़ कीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह में क्या है, एकदम से बिछाया उठाया उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहो कि मैम हमारे पास एक सेपरेट अच्छी जगह है, हॉल काइंड ऑफ है, तो उसमें आप बेड वगैरह लगा सकते हैं। और बच्चों के लिए बेड ऑप्शंस तो काफ़ी होते हैं। सिंगल बेड के ऊपर ऑप्शन ऑप्शंस होते हैं, डबल बेड आप लगा सकते हो। और बच्चों के लिए ज़्यादा हमें नीड भी नहीं होती काफ़ी कुछ एरियाज़ की। सो नैप एरिया में ये रखना ज़रूर है। नेक्स्ट है, बच्चा जब आराम करेगा तो ऑफकोर्स उसके बाद जैसे शाम को बच्चे उठते हैं तो जैसे घर में हमें ऐसे केयर करनी जैसे घर में बच्चे की करते हैं। तो बच्चा ऐसे स्कूल से आया, हमने किचन में उसको खाना वाना दिया, हाइजीन फूड, देन नैप एरिया, उसके बाद है स्नैक फैसिलिटी। तो स्नैक्स में बच्चों को हमें क्या देना है, इसका एक टाइम टेबल भी मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन दे दूंगी, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे आपको करना है। सो स्नैक्स में जैसे मिल्क के साथ कभी को फैन दे दिया, टोस्ट बना दिया या पोहा काइंड ऑफ, तो हल्का कुछ फुल्का मील आप दे सकते हैं। अदरवाइज बिस्किट्स और नमकीन भी देते हैं अगर चाइल्ड इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दे सकते हैं, ब्रेड जैम दे सकते हैं, ब्रेड बटर दे सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये स्नैक्स आप ऑप्शन रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चे की स्टडी फैसिलिटी। तो स्टडी फैसिलिटी भी इंक्लूडेड है। तो स्टडी में आप बच्चे को आपको ट्यूशन टीचर हायर कीजिए या फिर आप खुद से पढ़ाइए, बच्चों की पढ़ाई भी होनी चाहिए। बिकॉज पेरेंट्स आपके पास 7 या 7:30 PM तक डे बोर्डिंग भी रखेंगे। तो मुझे थोड़ा सा आप आइडिया बताएंगे कि आप मैक्सिमम टाइम कितना टाइम अपने स्कूल में देना चाहेंगी, मतलब 7:30, 8 PM। सो मैक्सिमम टाइमिंग इज क्वाइट 7:30, इट्स फाइन। यस प्लीज। मैम, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं 6 o'clock तक रखने के लिए बोलते हैं, तो 6:30 तक तो रहेंगे बच्चे। 6:30 तक, हाँ, इट्स अ क्वाइट अ वेरी नॉर्मल टाइम कि शाम तक 6:30। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको 7 बजे तक रखना है तो 6:30 तक पेरेंट्स को बोलना है कि आप बच्चों को ले जाइए। क्योंकि तो बच्चे बाद में जाने जाने में टाइम लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आपको लास्ट 7 रखना है तो आप बच्चों को 7 बोले। क्योंकि तो बच्चों के जाने के बाद भी चीज़ों को समेटने में, स्कूल को थोड़ा सा क्लीन करने में टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल उसको 15-20 मिनट पहले या हाफ एन आवर पेरेंट्स को टाइमिंग दीजिए ताकि आप जो है उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको जो है वो लास्ट टाइम कुछ 15-20 मिनट पहले पेरेंट्स को बोलना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमने स्टडी वगैरह बच्चों की जैसे इस तरह से करा दी है। आप स्टडी के लिए कुछ ट्यूशन टीचर वगैरह आप हायर करेंगे, मैंने भी बताया, आप कहोगे मैम इसको हायर करने के टिप्स क्या होते हैं, पर एज अ मैनेजर आप ही पढ़ाएंगे, आप ही सब चीज़ देखेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि कई बार शाम के टाइम भी स्कूल की क्वेरी के लिए लोग आ जाते हैं कि मैम हमें स्कूल डालने का, अगर आपने स्कूल भी ओपन किया हुआ है ना तो स्कूल के साथ कई बार क्वेरी आ जाएंगे, स्कूल तो खुला है चलो शाम को, या फिर कोई डे बोर्डिंग की क्वेरी के लिए आ जाए, तो उस टाइम क्या होता है कि आप दोनों चीज़ें अटेंड मिक्सअप नहीं कर सकते। तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एज आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स कि आप जो है हमेशा क्वालिटी पे काम कीजिए। तो आपको ट्यूशन टीचर हायर कर लीजिए, आपकी जो सराउंडिंग कोई बेस्ट मैम होगी आप उनको हायर कर सकते हैं। अब उनको हायर करने के टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1000 किसी बच्चे की फीस रखते हैं तो 600 आप रखिए, 400 उनको दे दीजिए। परसेंटेज तो वो लेंगी आके पढ़ाने का, तो ठीक है, क्योंकि आप उनको जगह दे रहे हो, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब आप जो है कर कीजिए। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको ये सब हो गया कि आपको मैम को जो है किसी भी कंट्रीब्यूशन के पॉट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज है कि अगर आप ट्यूशन फैसिलिटी रख रहे हैं तो आपके जो सराउंड में बच्चे हैं वो भी ट्यूशन फैसिलिटी के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और क्लास वगैरह में हम जो है उन बच्चों को
पढ़ा सकते हैं, एक्स्ट्रा बच्चों को भी बुला सकते हैं अगर आपके पास अच्छा स्पेस है। मान लीजिए आपके डे बोर्डिंग में 25-30 बच्चे हैं और आउटसाइडर बच्चे भी आना चाहते हैं, जो पढ़ने पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं। तो उसके बाद स्टडी के बाद बच्चों की एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो उन्हें कोई हम कार्टून मूवी दिखा सकते हैं या फिर कोई गेम्स खिलवा सकते हैं, और या फिर शाम को हम एक्टिविटी सेंटर भी लगा सकते हैं। एंड एक्टिविटी सेंटर एंड ट्यूशन सेंटर इज अगेन एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज। इसमें आप अपने क्लास के बच्चों को बुला सकते हैं और आउटसाइडर बच्चे भी एक्टिविटी सेंटर में एंजॉय कर सकते हैं। अब इस एक्टिविटी सेंटर में होगा क्या क्या? इस एक्टिविटी सेंटर में आप ड्राइंग करा सकते हैं। कभी एक दिन जैसे मंडे ड्राइंग करवा ली तो सब आपको टाइम टेबल के फॉर्म में एज अ PDF आई विल सेंड यू। ओके, जैसे मंडे को आपने ड्राइंग करवा दी, ट्यूसडे को आपने डांस करवा दिया, थर्सडे को आपने वेडनेसडे को आपने कुछ भी गेम्स खिलवा दिया, स्पोर्ट्स करवा दी, जुम्बा एरोबिक्स करवा सकते हैं, ठीक है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क करवा सकते हैं, डांस को रिपीट कर सकते हैं, और एक दिन बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल खेलने दीजिए जैसे वो खेलना चाहते हैं। तो दिस इज द पैकेज ऑफ कंप्लीट केयर ऑफ एनी चाइल्ड। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अगर किसी भी डे बोर्डिंग में ड्रॉप करता है तो दे वॉन्ट कि मेरा बच्चा हर तरह की एक्टिविटी को एंजॉय करे, लाइक उसके खाने की, उसके सोने की और उसकी स्नैकिंग फैसिलिटी, उसकी एंटरटेनमेंट और स्टडी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर पेइंग ऑफ दिस। तो इफ वी टेकिंग द अमाउंट ऑफ देम तो वी हैव टू गिव द सर्विस, ऑल काइंड ऑफ सर्विस, कि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि मेरा बच्चा खेल नहीं पा रहा है, मेरा बच्चा इंजॉय नहीं कर पा रहा है, मेरे बच्चे कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। क्योंकि पेरेंट्स आर ऑफिस गोइंग, मोस्टली पेरेंट्स आर ऑफिस गोइंग, दोज आर चूज डे बोर्डिंग। तो लाइक अब उनके पास टाइम नहीं होता, वो 7 to 8 बजे आएंगे तो कहाँ बच्चे को खिलाने जाएंगे, कहाँ बच्चे का होमवर्क कराएंगे, उनकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बच्चे की कंप्लीट केयर करनी है। सो दिस इज द फैसिलिटी ऑफ अ चाइल्ड की। और कभी ये सोचना है कि और क्या क्या दे, आपको कुछ दिखावा नहीं करना है बच्चों की केयर कर ली, कुछ जेन्युइनली आप केयर करें, बिकॉज यू आर मदर, आई एम ऑल्सो। तो हमें पता है कि हम अपने बच्चे की केयर कैसे करेंगे, हम बच्चे को खिलाएंगे, सुनाएंगे, एंटरटेनमेंट करवाएंगे, और बच्चे की जो मन की बातें कई बार होती हैं आप पेरेंट्स के पास नहीं होता आप वो भी बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बॉन्डिंग बनाइए ताकि बच्चा वहाँ आना पसंद करे। तो ऐसी जगह, बड़ा हो चाहे छोटा हो, वहीं जाना पसंद करेगा जहाँ उसकी बातों को सुना जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस पे ध्यान रखा जाएगा और काइंड ऑफ उसकी केयर करी जाएगी हर तरीके से। सो यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक कि व्हाट आर द फैसिलिटी यू विल गिव इन द डे बॉडी? यस प्लीज। नहीं बस। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? आपको सारी फैसिलिटी थोड़ा बताएंगे सेशन के बारे में? जी मैम, अच्छा लगा। मतलब ये तो सब हमें मतलब मदर की तरह केयर करना पड़ेगा। और मतलब मैम, अगर एक दो बच्चे आएंगे तो डे बोर्डिंग किस काम स्टार्ट कर देना चाहिए मैम? हाँ देखिए, आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए। कोई भी हम करेंगे, 10 बच्चे आएंगे, 15 बच्चे आएंगे तब स्टार्ट होगा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बच्चे अपने आप बढ़ेंगे। तो सभी पेरेंट्स को लगना चाहिए कि आप स्टार्ट कीजिए, हम आएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, ठीक है? तो आपका स्कूल तो चल ही रहा है, ठीक है? आपका स्कूल तो चल ही रहा है मैम। हाँ, एक सेकेंड रखे मैम, कि आपसे जो स्कूल में कितने बच्चे हैं? स्कूल में अभी 35 है मैम। अच्छा, 35 बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं। और प्ले स्कूल मैनेजमेंट कोर्स आपने जो है लास्ट ईयर किया था, राइट? हमसे ओके। सो देख लीजिए आपके कितने अच्छे स्ट्रेंथ। लास्ट ईयर अक्टूबर को किया था। यस यस, 1 ईयर में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है आपकी, ठीक है? और साथ में आप डे बोर्डिंग ओपनिंग करना चाहते हैं। हाँ, अभी तो हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, मेरा होगा अभी। ओके, डे बोर्डिंग। तो डे बोर्डिंग का कब से ओपन करने का सोचा है? जैसे मार्च से या फिर? वही मैम, जनवरी से काम स्टार्ट कर देंगे, तो तब तक मार्च तक तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कुछ अनाउंसमेंट कर, वो सब मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब मार्च में न्यू जॉइनिंग होगी तब से डे बोर्डिंग की स्टार्ट कर देंगे सोच रहे हैं। सो वेरी ग्रेट कि आपने स्कूल खोला और उसके साथ साथ आप डे बोर्डिंग का भी आप कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। ऐसे देखो, 1 ईयर में आपने दूसरा काम मर्ज अप कर लिया, सो दैट इज द गुड थिंग कि आपने चीजों को सीखा है पहले। तो मैनेजमेंट कोर्स का यही फायदा होता है कि आप पहले उसको सीख के ढंग से स्कूल अपना चलाइए और स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़िए, ठीक है?
बहुत ही अच्छी बात है। तो बिल्कुल देखो, हम स्टेप बाय स्टेप डे बोर्डिंग वाले कोर्स में भी चलेंगे कि आपने अब सीख लिया है कि सारी सारी फैसिलिटी क्या क्या होती है, किस किस में क्या क्या करना है। तो अभी आपका काम है कि आप नैप एरिया फैसिलिटी को कीजिए, किचन फैसिलिटी को प्रॉपर बनाइए, स्नैक फैसिलिटी को बनाइए, और एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के लिए आपको टीवी या स्मार्ट टीवी लगा सकते हैं, ठीक है। और बच्चों को जैसे म्यूजिक देने के लिए कोई ऑडियो स्पीकर वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं। स्टडी में के लिए आपको ट्यूशन टीचर को हायर कीजिए, क्योंकि यू हैव टू गिव द क्वालिटी इन एवरी एरिया, तभी तो पेरेंट्स वहाँ ड्रॉप करेगा कि ठीक है मेरे बच्चे के लिए सारी फैसिलिटी यहाँ रखी गई है। और बिकॉज यू हैव ऑलरेडी 35 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को वैसे ही आप पे ट्रस्ट है कि हाँ भाई हमारा बच्चा यहाँ सेफ ही है। तो पेरेंट्स को ना डे बोर्डिंग में स्पेशली एक सेफ चाहिए होता है कि मेरा बच्चा सेफ हो, क्योंकि डे केयर, केयर का मतलब क्या है कि दिन में केयर, और दिन में केयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुला सुला के रखे, खिला पिला के रखे, जी नहीं, उनको पढ़ाए भी, उनका एंटरटेनमेंट भी करे, खेल भी खिलाए, तो ये सारी चीजें जो जरूरी होती है, ठीक है। सो लास्ट के 5 to 10 मिनट्स है, आप मुझे कोई डाउट पूछने के लिए है तो आपके, यस प्लीज। डाउट तो मैम, इस कितना लिमिट रखें और इसका लिमिट? देखो एज का तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी जो डे बोर्डिंग है ना, डे केयर की कोई एज स्पेसिफाई, आप कितने छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं पहले ये क्वेश्चन है। आप क्या 6+ को संभाल सकते हैं या 1 ईयर को संभाल सकते हैं, है ना? तो आप कितने 2 ईयर मैम संभाल सकते हैं, आप तभी से डे बोर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब मैक्सिमम बात भी यही आ जाती है कि आप कितने तक के बच्चों को संभाल सकते हैं, कितने तक कोई सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, स्पेशली ट्यूशन सर्विसेज की, एक्स्ट्रा करिकुलम की। एक्चुअली वैसे जो डे बोर्डिंग होता है वो 2 साल से लेकर, तो नॉर्मल टाइम बता रही हूँ, दो नॉर्मल जो डे बोर्डिंग में होता है 2+ से लेकर आप 11 to 15 एज मैक्सिमम रख सकते हो, बाकी इसे कम भी रखिए और ज्यादा भी रखिए, ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो कितने छोटे बच्चे की केयर कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की केयर करना बहुत ज्यादा होता है। बड़े बच्चों को तो चलो ठीक है, बिठा के खिला दिया, सब कुछ काम करवा दिया, तो वो ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ उनको दूध पिलाना, नैपीज होते हैं, गोदी में बच्चे कई लोग रहते हैं, छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो आपकी गोदी में अटैच हो गए तो दूसरे की गोदी में नहीं जाएंगे, आप बन जाते हो, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं। तो कई लोग तो छोटे बच्चों को रखते हैं लेकिन उनके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं बिकॉज ऑफ दिस मच केयर। तो अगर आप इस तरह की केयर रखते हैं तो ही रखना, क्योंकि छोटे बच्चों का बहुत केयर होती है। सो ये है कि बाकी कोई ऐसा एज नहीं है इसमें, तो कोई ऐसा नहीं कि आपको यही एज रखनी है, एज नहीं रखनी है, आप देखिए कितने छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल लेवल डे बोर्डिंग है तो आई विल गाइड यू कि थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो, 2.5 साल से बड़ा हो तो सही रहेगा, ठीक है, आपको थोड़ा इजी रहेगा संभालने में, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे, क्योंकि जितना छोटा बच्चा होगा आप मान के चलिए उस पर एक केयर टेकर तो बनती जाएगी, उसको दूध, उसको पानी, उसको चाय, गोदी में रखना, फिर बनाना भी, वो एक काफी जनों को देख पाती है, लेकिन अगर ज्यादा छोटा बच्चा होगा तो वो उसी में बिजी रहेगी, तो काइंड ऑफ एक मदर ही जॉब होगी, बच्चे को गोदी में रखना, ये सब करना। आप रखने वाले तो 6 मंथ्स के बच्चों को भी रखते हैं, लगे थे छोटे बच्चों को तो केयर करना, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टाफ रख सकते हो, जो आपको आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि आपके जो सराउंडिंग है वहाँ पे क्या एज रिक्वायर कर रही है, वहाँ पे कितने बड़े बच्चों को पेरेंट्स भेज सकते हैं, तो यू हैव टू चेक फ्रॉम योर साइट। तो अगर आपको लग रहा है हम 3 साल पे ज्यादा पेरेंट्स को लग रहा है, 2 साल पे हो रहे हैं, और बाकी आपको तो रनिंग है, मॉर्निंग में स्कूल है, आप उनको भी गप बोलिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को पता क्या होता है एज बाय माई एक्सपीरियंस कि स्कूल जब खोलते हैं तो लगता है चलो मैम ने खोला है, मैम ही डे बोर्डिंग खोल रही है, हम कोई जॉब कर लेते हैं। तो कई लेडीज को जॉब करने का मन होता है लेकिन ड्यू टू बच्चों की केयर उनको पास ऑप्शन नहीं होता तो वो क्विट कर देती हैं। तो यू गिव द ऑप्शन टू दैट लेडीज कि ठीक है आप कीजिए। कई बार होता है कि मन करता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं और एक्सपीरियंस बात बता रही हूँ कि उन्होंने बताया मैम आप ही डे बोर्डिंग खोल लीजिए, वी कैन ट्रस्ट ऑन यू, और फिर हम जॉब करने लग जाएंगे, हमारे घर वाले राजी होंगे, क्योंकि पेरेंट्स जब तक जॉब वगैरह पे सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक उनका वो ये ना लगे कि मेरा बच्चा एक सेफ हैंड्स में है, और इफ यू रियलाइज कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा एक सेफ हैंड्स में है, तो फिर देखिए वो मन से इतना काम भी कर पाता है और आपके पास वो केयर से छोड़ेगा नहीं। तो ये केयर टेकर का एक मेन आप मान लीजिए गोल है कि उनके बच्चे की केयर आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो एज आई थिंक आपको आंसर मिल गया कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, ठीक है जी मैम। पहले पहले कितने केयर टेकर रखने पड़ेगा
पहले कितने केयर रखना पड़ेगा। एज यूजुअल जैसे आपने स्कूल में, मैंने बताया था कि स्कूल में आप 10-15 पे एक बच्चा एक केयर टेकर हो, ऐसे डे बोर्डिंग में भी एक केयर टेकर तो रखनी ही पड़ेगी 10 से 15। अब ये 10 से 15 में देखना पड़ेगा बच्चे ज्यादा छोटे आ रहे हैं, ज्यादा बड़े बच्चे एडमिशन्स में हुए हैं, तो बड़े बच्चों पे तो एक टीचर चल जाएगी केयर टेकर, लेकिन ज्यादा छोटे छोटे बच्चे आपने 2-2, 3-3 साल के लिए, तो उसमें मे बी आपको जरूरत पड़ जाएगी केयर टेकर की। और ये डिपेंड मैम फीस पे भी करता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फीस के बारे में भी जानेंगे, किस फीस से आप जो है डे बोर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट रख सकते हैं, और क्या कुछ ऑप्शनल भी रख सकते हैं, जैसे फूड में हम ऑप्शनल टाइप दे सकते हैं, हम क्वेश्चंस में ऑप्शन दे सकते हैं कि दे वांट टू गिव फर्दर फैसिलिटी और नॉट। कई डे बोर्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, आई विल गिव द ऑप्शन ऑफ दैट, अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो रखिए, अदरवाइज कंपल्सरी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कई डे बोर्डिंग तो ऐसे भी होते हैं जो जितने स्कूल के बच्चे होते हैं वो सभी डे बोर्डिंग को यूज करेंगे, और कई होते हैं कि आउटसाइडर को भी अलाउ करते हैं, कई नहीं करते, तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ डे बोर्डिंग। सो दिस सेशन विल बी डिस्कस, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप कि आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है, अगर है तो यस। टीचर को देखो मैंने बताया कि इसमें टीचर को आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो टीचर होगा ना वो ट्यूशन के लिए ज्यादा है, इसमें केयरिंग वाला पार्ट ज्यादा है, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को सुलाना, बच्चों को मील्स वगैरह टाइम पे देना, तो केयर टेकर की फॉर्म ज्यादा है। ट्यूशन का टाइम आता है बच्चों को पढ़ाना, और एक्टिविटी सेंटर में जो पार्ट, दो काम जो है वो टीचर्स के आ रहे हैं, तो कम बच्चों में अगर आप भी मैनेज कर सकते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज खुद से आप रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ एक टीचर और एक केयर टेकर थोड़ी सी वॉइस आपकी कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलना मैम। ट्यूशन के ट्यूशन के टाइम भी मैडम को बुलाएं या फिर पूरे टाइम? देखिए अगर आपको थोड़ा सा बजट इशू है तो ट्यूशन के टाइम और एक्टिविटी टाइम भी बुला सकते हैं, तो काइंड ऑफ ऐसा टाइम रखें, क्योंकि देखो जब वो ट्यूशन पढ़ेंगे तो उसके बाद एक्टिविटी करेंगे, दोनों काइंड ऑफ टाइम एक साथ ही पढ़ना है, तो ये कर सकते हैं कि इनिशियल लेवल पे उनको ट्यूशन के टाइम बुलाओ और एक्टिविटी के टाइम बुलाओ, और जैसे जैसे बच्चे बढ़ने लग जाएंगे और आपको लग रहा है कि केयर टेकर नहीं संभाल पा रही है, तो उनको टीचर को आप थोड़ा पहले बुलाना शुरू कर दो जब वो केयर टेकर आ रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। यस जी जी मैम। एनी मोर डाउट? केयर टेकर संभालने की टीचर आ जाएगी तो परफेक्ट होगा। हाँ, थोड़ा सा रिपीट कीजिए और तेज बोलिए। मतलब दोपहर को खाना खत्म होने के बाद नेक्स्ट के बाद टीचर आएगी तो होगा पहले पहले। हाँ जी, है बिल्कुल सही कह रहे, जाएंगे तो। हाँ देखो शुरुआती में आपको कम बच्चे हैं तो मैनेज कर सकते हैं कि बाद में मैडम आएगी तो आप कर सकते हो, लेकिन जब टीचर आएगी तो ऐसा मतलब नहीं कि केयर टेकर की छुट्टी कर दोगे, क्योंकि कई बार जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, जैसे 2 साल के बच्चे हैं वो उनको इतना रिपीटेशन की फॉर्म नहीं होती, या 1.5 साल के बच्चे हैं, उस केस में वो छोटे छोटे बच्चों को आपको जो है वो केयर टेकर संभालेंगे, तो दैट केस में आपको क्या है कि उनको रखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ट्यूशन टीचर आ रही है तो केयर टेकर की छुट्टी कर दी, तो वो मैम पढ़ाएंगी कि कराएंगे। और कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को ज्यादा देर नहीं पढ़ाना होता, पर बड़े बच्चों को ज्यादा टाइम देना होता है ट्यूशन के लिए, तो जिनकी छुट्टी जल्दी हो गई है उनको थोड़ा सा खेल वेल में लगाना, बिजी करना, बच्चे रोए नहीं, तो ये केयर टेकर का काम होता है, ठीक है।